बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम है। सरोज कफी हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्हें मीटन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इनके नाम पे 150 से ज्यादा इनोवेशन रजिस्टर्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल्फ टॉट इनोवेटर मोहम्मद इस्माइल की। चलिए मुलाकात। इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने न्यूज 18 को आज वक्त दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मतलब टाइम दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिजर्व करते हैं क्योंकि पूरा कश्मीर आपको न्यूटन के नाम से जानता है। पहले तो ये बताइए कि न्यूटन नाम कहाँ से आया? सर, एक्चुअली मैंने जब मैं 11th में पढ़ता था तो हमें ये कंजर्वेशन ऑफ वो एनर्जी का वो लॉ है वो न्यूटन का, अच्छा, उस पर ज़्यादा डिस्कशन होती थी और जो उसके वो बाकी न्यूटन के लॉ थे उन पर भी डिस्कशन होता था बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मुझे दिया गया फिर नाम न्यूटन। तो आप काफ़ी इंटरेस्टेड थे? हाँ, फिजिक्स में साइंस में काफ़ी इंटरेस्टेड था सर में। तो एक्चुअली फिजिक्स मैंने लिए है, मैथ और फिजिक्स का नॉन मेडिकल लिया है मैट्रिक पास के बाद। अच्छा, तो उधर मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, आप तो आर्ट्स पढ़ते थे, अब ऐसे अब कैसे हम चेंज कर सकते हैं आपको। तो फिर उधर अशोक सर था, रवि सर था, और प्रिंसिपल ने भेजा उनके पास कि जब वो छोड़ेंगे तो तब हो सकता है, वरना आपको हम साइंस में एडमिशन नहीं दे देंगे। क्यों, वजह क्या थी? मैं आर्ट्स पढ़ता था। उन्होंने किया मुझे इंटरव्यू, आपने उन्होंने कहा आप क्या जानते हैं फिजिक्स में। मैंने कहा फिजिक्स में मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी है। उसने कहा डायोड क्या होता है, तो फिर ट्रांजिस्टर क्या होता है, फिर ट्रायोड क्या होता है, ये सब सवाल उन्होंने पूछे। तो उसने कहा नहीं, ये वो किया, ओके चलो आओ क्लास में। तो फिर डिस्कशन करते थे सर। तो वो दिलचस्पी कहाँ से आई साइंस की आपकी, क्योंकि जैसा आपने कहा आर्ट्स के स्टूडेंट थे। हाँ हाँ, तो फिर साइंस में दिलचस्पी कहाँ? एक्चुअली मैं जब 6th में 12 साल का था तो हमारे घर में था बिजली का सामान, और जब बिजली लगी थी 1974 से पहले लगी थी, तो सीलिंग का सामान था, सीलिंग फिटिंग कर रहे थे उस वक्त, तो करते थे, उसका सामान बचा हुआ था, उसको मैं छेड़खानी करता था। अच्छा, उसी से सीखा मैंने, बिजली की फिटिंग भी सीखी 6th में ही, और बोर्ड बनाना भी सीख लिया 6th में ही मैंने सीख लिया। तो 6th में आपने सीख लिया था कि बिजली फिटिंग कैसे करते हैं, बोर्ड कैसे बनाते हैं? बिल्कुल 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 सर। अच्छा, तो फिर उसके बाद बताइए कि कई सारी कठिनाइयों का सामना किया आपने। हमने ये भी सुना कि पढ़ाई जो है आपकी किन्हीं वजहों की वजह से वो छूट गई, तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पढ़ाई मेरी छूटी, मैंने छोड़ दी। अच्छा, वजह ये हो गया कि मैं पहले AT में करता था, मैं ITI जी, तो AT से पहले मैं काफ़ी मैंने थ्योरी हासिल की थी, मैं किताबें बाहर से मंगाता था जी, पढ़ता था। अच्छा, उन्हीं एड्रेसों पर और किताबें मंगाता था, तो काफ़ी नॉलेज हो गई थी। मेरे साथ एक दिलीप कुमार था। अच्छा, मेरा हमसाया कुलूसा का रहने वाला, वो भी इनोवेटिव जहन का था काफ़ी, वो भी काबिल था, उसका भी आर्टिस्ट था, मगर ITI में हम इलेक्ट्रिशियन में करते थे, ट्रेनिंग करते थे, उधर में एडमिशन मिला था, तो हम काफ़ी काबिल थे प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा। तो वजह ये हो गया कि जब एक उस्ताद को लगता है कि मेरा शागिर्द प्रैक्टिकल के में मुझसे ज़्यादा है, थ्योरी में चलता है, थ्योरी में अगर होगा तो वो ठीक है चलता है, मगर प्रैक्टिकल ये तो सबूत देना होता है ना कि काम करने का। करेक्ट, प्रैक्टिकल में जब हम आगे निकल गए
तो उसने एक दिन उसको एक ट्रांसफार्मर बनाना था, लाया 2 किलोवाट का ट्रांसफार्मर, उसने कैलकुलेशन की तो हम दोनों ने उसको कहा कि ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, इसमें कोर भी नहीं आएगा और तार भी नहीं इसमें सारी आएगी, जो आपने तार लिखी है और कोर लिखा है और जितने टर्न्स लिखे हैं ये नहीं आएगा। उसने कहा आप दोनों पीछे बैठो, हमको नहीं आगे आने दिया, बाकी 5-7 लड़के थे उनको कहा आप बनाओ इसको, इनको दूर रखो। जब उन्होंने आधा ये बनाया, हमने उनको कहा एक कोर देखो जरा इसमें आएगा कि नहीं आएगा, उसमें नहीं आया तो वजह ही हो गया, उसने हमको क्लास से निकाला। फिर तो कहीं ना कहीं उनको एक इंसिक्योरिटी हो गई कि ये बच्चे मेरे को ही सिखाएंगे। हाँ ये हाँ, तो हो गए वो तो, फिर क्या हुआ कि उसने हमको निकाला, फिर हम सुपरिटेंडेंट के पास गए, सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि क्या बात है, हमने कहा उसको, उसने उसको भी बुलाया, उसने कहा नहीं ये मतलब इनका रेविया अच्छा नहीं है क्लास में, उसने उल्टा इल्ज़ाम दूसरा लगाया। अच्छा 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 ये हो गया उधर, तो अपना ये नहीं मतलब ये शाबाशी नहीं थी, उसने ये कहा। तो फिर प्रिंसिपल साहब ने हमको एडमिशन दिया, मगर उसने फिर हमको शॉर्टेज दिखा दी, हम फिर एग्जाम नहीं दे सके दोनों, वो दिलीप कुमार भी और मैं भी, हमने एग्जाम नहीं दिया। फिर यही वजह हो गया। उसके बाद आपकी एक ऐसी कहानी शुरू हुई, एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जहाँ पे आपने 100 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, 100 से ज्यादा पेटेंट्स और ऐसी ऐसी चीजें बनाई आपने, इनोवेट किया आपने, कि अगर आप किसी और मुल्क में होते तो शायद आपको आज बहुत सारे खिताबों से नवाजा गया होगा। ये तो सही बात है। इधर क्या है कि अगर हम देखेंगे इधर जो है ना, किसी भी मुल्क में अगर गाड़ी का मिस्त्री होगा, अगर मिस्त्री नहीं होगा, यहाँ कोई अफसर नहीं है, वो तो गवर्नमेंट उसको रोज गाड़ी नहीं देगा। गाड़ी जब खराब हो जाती है वो मिस्त्री बेचारा ठीक करता है। जो टेक्निकल होता है उसको इधर इज्जत नहीं है। जो भी होगा, इनोवेशन अलग चीज है, ये एक सारी इंसानियत के लिए काम होता है। बिल्कुल, कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में वो काम आ सकता है, वो चीज़ जो भी इनोवेशन करता है उसका चीज़ आ सकता है। मैंने 76 से इनोवेशन की है। क्या बात, 76। तो आपको याद कि आपने पहली इनोवेशन जो की थी वो क्या थी? पहली इनोवेशन जो मैंने की है मतलब बहुत बड़ी जी, बहुत बड़ी है, वो है रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन बनाया मैंने, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बनाया। पहले एम रेडियो आते हैं, उनमें एम लिखा होता है रेडियो के डायल पर, एम आज एफएम है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बनाया मैंने रेडियो स्टेशन, और जिस फ्रीक्वेंसी पर मैं रखना चाहता था उसी फ्रीक्वेंसी पर आता था वो बहुत बढ़िया 3 किलोमीटर का करता था काम। उससे 3 किलोमीटर उससे पहले हमने बताया, मैंने बनाया और मेरे साथ दिलीप था, दिलीप कुमार वो मेरा फ्रेंड है, काफ़ी वो काबिल था। हमने एक मैग्नेटिक ओवरलोड सिस्टम एक बनाया। अच्छा, तो जो उन दिनों स्टार्टर आते थे उनमें प्रॉब्लम होती थी, वो ओवरलोड कट नहीं करता था। तो फिर हमने वो बनाया मैग्नेटिक पर, अब खुद बनाया तो वो उसने अच्छा काम किया, फर्स्ट क्लास। वो भी इस वक्त भी एक मशीन में लगा हुआ है। अच्छा, तब से 1980 से वो लगा है अभी एक मशीन में। और फिर आपका एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आया, उसके बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। जब दौर नहीं था रिमोट्स का, और जो मोहम्मद इस्माइल हैं इन्होंने एक रिमोट ऑपरेटेड कार बनाई थी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, बातें चल रही हैं न्यूटन मोहम्मद इस्माइल से। अच्छा ये बताएं इस्माइल साहब कि एक रिमोट कार बनाई आपने, तब जब रिमोट टीवी तो दूर की बात है, तवज्जो ही नहीं था एक रिमोट का, उसके बारे में थोड़ा बताएं पहले। एक्चुअली रिमोट उस वक्त शुरू हो रहे थे जी, कलर टीवी में आ रहे अच्छा। थे उस वक्त, उसके बाद VCR आ गए, उनमें भी फिर रिमोट आ गया। मगर मैंने 1983-84 में बनाया एक छोटा सा कार बनाया, रिमोट पर वो चल रहा था। उसमें क्या था कि रिमोट पर दाएं बाएं और आगे पीछे अच्छा। और एक टैप रिकॉर्डर भी उसमें लगा था छोटा सा, गाड़ी में हाँ वो भी ऑन हो जाता था। अरे क्या बात है, वो हो जाता था, वो उतनी फंक्शन, उसका रिवर्स फॉरवर्ड नहीं था क्योंकि उतने मेरे पास रिमोट का वो IC फंक्शन नहीं थी। तो ये बताएं कि उस दौर में, देखिए हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की, उस दौर में ये मटेरियल लाना, आज देखिए आज गूगल से आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, या आप एक गूगल सर्च मार दिया, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद लिए, छोटे छोटे आपके जो भी ये काम की चीज़ें होती हैं, स्क्रू ड्राइवर से लेके एक बड़ा इक्विपमेंट तक, उस दौर में आपने ये सामान कहाँ से लाया? हाँ ये तो बहुत दिलचस्प क्वेश्चन आपने किया जी। एक्चुअली मैं 1978 में था, फादर के 77 या 78 यही था,
फादर के साथ गया था, श्रीनगर गया था उसके साथ, छोटा था। तो उधर मैंने एक मैगजीन देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। अच्छा। तो मैंने वो फादर को कहा ये मैं ले लूँगा जी। तो मैं गया उस दुकानदार के पास, उसने कहा कि आपको किस काम आएगा। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, आप छोटे हो क्या पढ़ोगे, ये इधर लेते एक तो NIT इंजीनियरिंग कॉलेज वाले लेते हैं उनका, हाँ ये लेते हैं और ये पढ़ा है, ये पिछली डेट का है। उस मैगजीन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स पर, वो इस वक्त भी मार्केट में है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती थी उसमें, और पार्ट वालों के एड्रेस भी होते थे और उसमें सर्किट भी होते थे, प्रोजेक्ट भी होते थे। उनको मैं बनाता था सर्किट डिजाइन, वो ड्रा करना, वो देखना पढ़ना, उसी से मैंने सीखा है, काफ़ी नॉलेज उसी से मैंने। फिर मैंने किताबें मंगाई है, काफ़ी किताबें मंगाई हैं। अच्छा ये बताएं कि उसके बाद आपके कुछ बहुत बेहतरीन इनोवेशन आए, अगर हम बात करें कोविड के दौर में आपके कुछ बहुत ही बेहतरीन इनोवेशन आए, उनके बारे में बताएं जरा, किस तरीके की इनोवेशन। मेरी जो इनोवेशन है मेरे मतलब लगभग 160 से ऊपर मेरी इनोवेशन है। क्या? तो कोविड में सबसे पहले मैंने वो बनाया, जब हम ये सैनिटाइजर नहीं मिलता था मार्केट में, बहुत कम मिलता था, कोविड का, हाँ किसी का चीज़ लेते थे तो हाथ कैसे धोते थे, मतलब सैनिटाइज नहीं कर सकते, एक ही सैनिटाइजर होता था घर में। तो मैंने वो बनाया सैनिटाइजर उस वक्त, वो और इस वक्त भी डिफरेंट है, जो आपको मिलेगा मार्केट में डिस्पेंसर सैनिटाइजर डिस्पेंसर, वो डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी मेरी बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या किया था उसने? मैंने 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 लाइट पर वो बनाया। अच्छा। मैंने लाइट पर बनाया, वो लाइट पर चलता है, मतलब क्या है, क्या हम किसी चीज़ पर लाइट डालते हैं, उसको हम डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने सेंसर से, तो सेंसर सिग्नल देता है, तो सब सिग्नल देता है, तो वो ऑन या ऑफ करता है मोटर को, तो वो देता है डिस्पेंसर। तो ये उस वक्त डिस्पेंसर सैनिटाइजर है, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर का कंसेप्ट नहीं था कोविड से पहले। हाँ। तो सबसे पहले मैंने बनाया, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले उस वक्त मैंने बनाया, क्योंकि सारा इंडिया बंद था। आप एक सेंसर बेस्ड डिस्पेंसर बनाते हैं जिसमें से सैनिटाइजर निकलता है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बनाया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाइना से बंद हो गया तो इधर नहीं मिलता था, इधर नहीं बनता था, तो मैंने बनाया, दे दिया बनाकर, और एक्यूरेट बनाकर दे दिया, अच्छा दे दिया, और सस्ता भी बन सकता था, और दूसरा दे दिया, डिसइंफेक्शन टनल दे दिया, और क्या दे दिया, वेंटिलेटर वो किट दे दिया, काफ़ी आइटम दिए मैंने उस वक्त। पिछले साल मैंने दिया है 9 इनोवेशंस और दिए हैं मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उन्होंने एक उसमें से एक को किया है अवार्ड, तो बाकी 8 उधर ही है, और बढ़िया इनोवेशंस है, मतलब मैं क्या कहूँगा आपको, मतलब बहुत अच्छी इनोवेशंस है। तो इनको कहीं ना कहीं एक, जिसे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कहीं ना कहीं इनको कोई रिकग्नाइजेशन मिलती है, इनको कोई पहचान मिलती है? नहीं, अभी तो इधर नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पेटेंट हासिल करना होता है, पेटेंट के लिए लगता है लगभग 2 लाख रुपए एक इनोवेशन को रजिस्टर करने के लिए, एक इनोवेशन, हाँ वो रजिस्टर, दो रजिस्टर अभी तक पेटेंट्स है, तो उस हिसाब से 2 लाख के हिसाब से तो वो काफी रकम बनेगा। हाँ हाँ। तो ये बहुत ज्यादती है, इसमें नहीं लगना चाहिए था पैसा। हाँ, अगर वाकई इसने कुछ किसी ने कोई चीज बनाया है, वाकई साबित है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो उसी को उसको वो फ्री करना चाहिए था उनको, मतलब उसका पेटेंट देना था। और जितने सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, या आपके अपने खर्चे पे रहते हैं? खर्चे पर रहते हैं, अपने खर्चे पर, बिल्कुल अपने। आप देखो हमारी लेब, देखो आप इसमें क्या पार्ट है, मैंने जिंदगी भर पार्ट ही इसमें रखे हैं, वो आपकी कमाई है। हाँ हाँ, वो चलिए बहुत, चलो अगर मुझे नहीं तो किसी को काम आएगा। हाँ, हम चाहते हैं कि अगर कोई आएगा सीखेगा, हम उसको पूरा गाइड करेंगे, पूरे कह सकते हैं आपके एक, आपकी जो रूह है वो एकदम साइंटिस्ट तबीयत की रूह है कि दूसरों के लिए। हर एक इंसान उसी तबीयत का, देखिए आप जो एजुकेशनल पॉलिसी है, आप कोई इंजीनियर डायरेक्ट इंजीनियर नहीं लगेगा जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं निकलेगा, आप कोई टीचर डायरेक्ट टीचर नहीं लगेगा जब तक वो प्रैक्टिकली प्रूव नहीं करेगा, आने वाला दौर है। तो इस सब के बीच में आपकी जो फैमिली है, उनका कैसा सपोर्ट रहा, वो हम ब्रेक के बाद पूछेंगे इस्माइल साहब से। काफ़ी इनोवेशंस किए इन्होंने, कहीं ना कहीं जैसा हम कह रहे हैं कि इतिहास में कहीं ना कहीं खो गई है इनकी इनोवेशंस। और न्यूज़ 18 की अगर हम बात करें, इस शो की अगर हम बात करें बेमिसाल की, तो हमारा काम ही ऐसे बेमिसाल लोगों को कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल फोरम पर, एक नेशनल फोरम पर उनकी एक आवाज़ पहुँचे,
तो कहीं ना कहीं शायद उससे एक तकदीर, एक लाइफ भी अगर चेंज हो जाती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम मिलते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, बातें चल रही हैं कश्मीर के न्यूटन मोहम्मद इस्माइल साहब से। इस्माइल साहब, ये बताएं कि ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि वो दौर आपकी फैमिली जो थी उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थे, वाकिफ नहीं थे लोग कि ऐसा भी कुछ है। सही बात है कि एक्चुअली मैं जब पढ़ता था उस वक्त मैं थोड़ा काम भी करता था। अच्छा। मैं सर्विस इंजीनियर भी था, ये भी आपको बताऊं। अच्छा, अच्छा, बहुत। और वजह यही हुआ कि मैं जो किताबें पढ़ता था उनसे मैंने काफी सीखा था, उस हिसाब से मुझे काफी पैसा भी मिलता था। और सपोर्ट फैमिली का, अदर फैमिली कहती थी आप, इमोशनल सपोर्ट कैसा था जिसे हम कहेंगे? ये एक्चुअली क्या था कि ज्यादातर इसी में दिन रात लगता था, 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी रात भर जागते रहना, ये फैमिली के लिए काफी मुश्किल होता था। बगैर हमारा सपोर्ट ही था, सपोर्ट ही था। आज के दौर की अगर हम बात करते हैं, आज की जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं उनके पास, काफ़ी सारे तरीके हैं जहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट को तो छोड़ दीजिए आप, आज आपका मोबाइल फ़ोन है जिस पर आप एक क्लिक करेंगे और आपको सब कुछ पता लग जाएगा। बावजूद उसके जम्मू कश्मीर में हम जब बात करें तो वो साइंटिफिक टेम्पर हम डेवलप क्यों नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, या जनरेशन में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो यंगस्टर्स? एक्चुअली क्या है कि हम बच्चों को बचपन से ही पहले कहते हैं कि आप ABCD लिखो, ठीक, 1 2 3 4 याद करो या लिखो जी, लिख उसको हैंड, तो जब जितना बड़ा थोड़ा हो जाएगा तो खुद वो राइटिंग फिर कर सकता है ना। बिल्कुल, है ना। उसका सेंस बढ़ाओ, सेंस कैसे बढ़ेगा, उसको खिलौने दे दो, ऐसे चीज देखो। जब बच्चा पैदा होता है हम वो कप को चम्मच से करते हैं, टिक टिक करते हैं, क्यों? उसको अपनी तरफ मुतवजा करने के लिए, उसके कानों का ये सिस्टम, दिमाग का सिस्टम मतलब एक लाइन पर लाने के लिए ये कर दे। तो इसको लाइन पर लाओ ना, बच्चे को छोटे छोटे चीज दे दो जिनसे वो सीखे, गियर दे दो, गियर वाले चीज दो, बगैर गियर मैकेनिकल चीज दे दो, छोटे छोटे आइटम दे दो, वो सीखेगा उनसे, काफ़ी कुछ उसको हासिल हो जाएगा कि ये कैसे काम करता है, तो उसका दिमाग बढ़ेगा। मोटर स्किल्स डेवलप नहीं करते हम यहाँ बच्चे के, मतलब वो एक वो जिसे आप कहें टेक्निकल स्किल, वही टेक्निकल स्किल हम नहीं करते हैं। टेक्निकल स्किल सबसे पहले मतलब बच्चे को हम जब वो पैदा होता है ना जी, उसी वक्त हमको उसको सिखाते हैं, जब सिखाना शुरू करते हैं। मगर ये हमको आइडिया नहीं होता है कि इसको आगे कितना काम देगा, ये काफी काम देने वाला है, इसको खिलौने दे दो, वो सीखेगा इनको कैसे, ये खराब क्या होता है, चलता कैसे, कौन सा आइटम क्या काम करता है, उसको बढ़ जाएगा, उससे भी दिमाग बढ़ता है। ये बताएं कि 160 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं आपके आज तक, फेलियर्स भी होंगे, हाँ, तो उन फेलियर्स से कैसे जूझते हैं या उन फेलियर्स से कैसे बाहर आते हैं और फिर उसी चीज पे काम करके फिर से उस प्रोडक्ट को बनाते हैं? जब टीवी आए ना इधर जी, मैं कोशिश कर रहा था मैं टीवी स्टेशन बनाऊं, क्या बोल, उस वक्त टीवी में मैंने साउंड दे दी, मगर मेरे पास कैमरा नहीं था कि पिक्चर भी दे देता, पिक्चर उस वक्त नहीं दे सके क्योंकि मुझे वो आइडिया नहीं था कि कैमरा को कैसे मैं इस्तेमाल लाऊं, तो इसमें ये दे दूं। जब हमें कोई आइटम होगा ना, काम उस पर करते हैं, तो जहन बढ़ जाता है, खुद ब खुद इंसान को आता है इसमें कि कैसे करूंगा, क्या कैसे, उसमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी भी होती है, ये तो जिंदगी का उसूल है। और स्पेशली इनोवेटर्स, हाँ, इनोवेटर्स के लिए काफ़ी है कि उसमें उसको देखना पड़ता है, काफ़ी आइटमों को हमने छोड़ ही दिया, बनाया नहीं था, मतलब कुछ मैकेनिकल आइटम उसमें क्या है कि हमें CNC मशीन की ज़रूरत पड़ती है, इधर है नहीं CNC मशीन, ऐसी यहाँ लेथ वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं 5,000 है तो 6,000 छोटे से आइटम को ये प्रॉब्लम है, तो कश्मीर में जो इनोवेटर्स को प्रॉब्लम है, इसको आइटम नहीं मिलता है, अगर मिलेगा भी बहुत महंगा मिलता है, तो ये प्रॉब्लम है, उससे नाकामी यकीनी हो सकती है। जाते तो जाते पहले आप हमें ये बोलें कि थोड़ा रिलैक्स कैसे होते हैं आप इस इतने क्योस के बीच, तारे, इक्विपमेंट्स, इतनी सारी चीज़ों में आप आदत कंट्रोल कैसे, ये जो ये हो एक आदत होता है, जब आप गाड़ी पर बैठते हैं ना इधर उधर भी देखते हैं, मगर जान क्या होता है, ड्राइविंग ड्राइवर, तो हम भी जब बैठते हैं ना काम पर,
अगर उधर उधर भी बात भी करेंगे, इधर उधर भी करेंगे, मगर ध्यान तो होता है उसी का। और बहुत अच्छा लगा, मतलब मन कर रहा है कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन वक्त की कमी रहती है हमारे पास। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो इनोवेटर्स बनना चाहते हैं, क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, लेकिन कमी है किसी चीज़ की उनके पास या खलिश है कोई, उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए आप। जब किसी को कोई आइडिया आता है, ये ज़रूरी नहीं है वो दिनों में वो करेगा बराबर, ज़रूरी नहीं, साल भी लग सकता है, डेढ़ साल भी लग सकता है। कामयाबी के लिए उसके मतलब कामयाबी के मतलब वो कदम जो है ना वो तय करने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत कर रही है, इंतज़ार भी करना है, जो जो आइटम मिलता है वो जमा करना है और बनाना है अपना आइटम, उस पर काम करना है। कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी जब वो कोशिश करेगा। तो हमें क्या है कि इधर कश्मीर में काफ़ी बच्चे हैं, शौक है उनको जी, उनको चाहिए कि अगर उनको एक जगह नहीं मिलता है सामान, दूसरी जगह मिलेगा। आज तो इन्हें बहुत सी फॉर्में हैं, उनको कॉन्टेक्ट करें, वो सामान दिलवा सकते हैं, वो मिल सकता है उनको, और हेल्प भी हो सकता है, गाइड भी कर सकते हैं कि इधर से। पिछली दफ़ा हम इंजीनियरिंग कॉलेज में उधर थे, उधर उनने एक आइटम बनाया था, उसमें एक प्रॉब्लम थी, मगर उन्होंने बनाया था, एक प्रॉब्लम थी, उससे तो वो नाकाम तो नहीं हुई है ना, एक प्रॉब्लम थी उसमें, तो वो उनको आइडिया उधर आ गया, उधर थे बहुत सारे लोग थे, आइडिया मिल गया उनको, उन्होंने किया होगा उसको ठीक, ज़रूरी नहीं, फोर में करती हैं, मतलब कोई भी इनोवेटर जो होगा ना वो ज़रूर हेल्प करेगा। जाते जाते हमें ये बताएं कि आपके जो आने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनोवेशंस हैं, कुछ नया प्लान में है आपका, कोई नया प्रोजेक्ट? मैंने आपको कहा कि मैंने पिछले साल 9 इनोवेशंस दिए, एक तो उसमें तो एक उन्होंने अवार्ड किए, वो उनको भी किया है सिलेक्ट उन्होंने, अब इस साल उसका अवार्ड हो जाएगा। तो और भी एक दो इनोवेशंस है, वो काफ़ी अच्छी है, खासकर कश्मीरियों के लिए अच्छी है, तो उसके बारे में अभी जिक्र नहीं होगा, जिक्र नहीं करेंगे, उम्मीद करेंगे जल्दी मिलेंगे आपसे न्यूज़ 18 पे, आपकी वो स्टोरी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो ये थे मोहम्मद इस्माइल, एक सेल्फ टॉट इनोवेटर। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी परवाज़ ऊंची है तो हर आसमान आपके लिए छोटा पड़ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड इंस्पायरिंग लगा होगा। हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, दीजिए इजाज़त, आदाब।